और जम्मू कश्मीर बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। 22 हो गई है मृतकों की संख्या। मरने वालों में 11 लोग अलीगढ़ और साथ ही 9 लोग हाथरस के हैं। बस हादसे में 50 लोग घायल हुए हैं। हाथरस से जम्मू कश्मीर जा रही थी बस। कल जम्मू के अखनूर में हादसा हुआ था। बस खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ गया है और साथ ही 50 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर अब 22 हो गया है। तो जम्मू कश्मीर बस हादसे में आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। तो मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस पुलिस को संपर्क करने को भी कहा है। और सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। एक्स पर सीएम ने पोस्ट किया और लिखा कि जम्मू कश्मीर में बस हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना है। अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। तो सीएम की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया। अधिकारियों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ये जानकारी भी उन्होंने साझा की। और साथ ही प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।